हाय व्यूवर्स, मैं अर्शद खान फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज हमारे पास है Realme C3। इसका ग्लास ब्रेक है, ये हमने चेंज करना है। इसको चेंज कैसे करना है और इसको खोलना कैसे है, इसके बारे में मैं आपको तमाम बताने वाला हूँ। आपसे दरख्वास्त है, वीडियो को पूरा देखिएगा। ये देखें, ये ब्रेक है बिल्कुल। इसको हम चेंज करते हैं। चलें शुरू करते हैं। ये सिम डोर हम निकाल लेंगे। अभी हमने इसका ये बैक उतारना है। ये फिंगर थंब पर हम यहाँ पर उंगली रख लेंगे, इसको प्रेस कर कर हटा लेंगे। ये इसके हम तमाम पेंच खोल लेंगे। ये तमाम पेंच इसके खुल चुके हैं, इसको हम हटा लेंगे। इसकी बैटरी को हम निकाल लेंगे बाहर। ये फ्रंट से हम 3 मिनट हीट कर लेंगे इसको। ये तकरीबन गर्म हो चुका है। अभी हमने इसका पैनल हटाना है। पहले हम इसको ब्लेड से थोड़ा कट कर लेंगे साइडों से। ये देख सकते हैं आप, इस OCA पेपर की मदद से अब हम इसको हटाएंगे बाकी का। ये पैनल हट चुका है इसका, तमाम साइड से कटिंग हो चुकी है इसकी। अभी हम इसको बाहर निकाल लेंगे। ये फ्रंट पर हम इसके टेप लगाएंगे।
नए आने वाले दोस्तों से दरख्वास्त है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और किसी भाई को पार्ट से रिलेटेड कोई भी चीज़ चाहिए हो, मेरे पास तमाम होते हैं होलसेल रेट पर, जिसमें गिलास भी हैं, पैनल भी हैं, चार्जिंग बेस भी हैं, चार्जिंग पीसीबी बोर्ड हैं, स्टिपे हैं, और इसके अलावा कुछ भी आपको चाहिए, ओरिजिनल केसिंग वगैरह तमाम चीज़ें मिल जाएंगी। पूरे पाकिस्तान में सर्विस ऑनलाइन अवेल है। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रابطہ कर सकते हैं। ये एक्स्ट्रा टेप की भी हम कटिंग कर लेंगे दोस्तों। इसके अलावा पूरे पाकिस्तान से आप मुझसे ऑनलाइन मोबाइल बनवा सकते हैं, सर्विस अवेल है। मज़ीद मालूमात के लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रابطہ भी कर सकते हैं। अब हम इसकी कटिंग करेंगे, इसको 3 मिनट के लिए हिट करेंगे हम, उसके बाद इसकी कटिंग करेंगे। ये तकरीबन हिट हो चुका है। इस वायर की मदद से हम इसकी कटिंग करेंगे, गिलास को काटकर एलसीडी से अलग करेंगे। ये इसकी कटिंग हो चुकी है। ये इसका गिलास बिल्कुल अलग हो चुका है। अभी हम इसका पुराना ओसी को हम रिमूव कर लेंगे। ये पुराना उसी स्पेस रिमूव हो चुका है, ये देख सकते हैं आप। अभी हम इसको अच्छे से क्लीन करेंगे एमबीसी के साथ। एलसीडी को हमने अच्छे से क्लीन कर लिया है, अभी हम ओसी लगाएंगे इस पर। एक्स्ट्रा ओसी की हम कटिंग कर लेंगे। ये ओसी की कटिंग हो चुकी है इसकी। ये इसका गिलास है जो हमने चेंज करना है, ये आप देख सकते हैं। अब हम एलसीडी को इस रिंग में अच्छे से बिठा लेंगे।
दोस्तों ये ख्याल रहे, ये एलसीडी जो आपकी है ये बिल्कुल सेंटर में होनी चाहिए। अच्छा दोस्तों, यहाँ एक चीज़ का हम ख्याल रखेंगे, अगर हमने एलसीडी सही नहीं बिठाई तो कॉल सेंसर इसका वर्क नहीं करेगा। तो आप ये देख सकते हैं कि इसके कॉल सेंसर के लिए हमने इसमें गैप रखा हुआ है, ये देख सकते हैं आप, इसको आपने चेक करना है वरना इसका कॉल सेंसर जो है वो वर्क नहीं करेगा। ये देखें, ये हो गया बिल्कुल ठीक। चलें अब ग्लास पर लगाते हैं ये इसका गिलास लग चुका है। अभी हम इसको बाहर निकाल लेंगे और अब हम इसकी लैमिनेटिंग करेंगे। मेरे पास RMB मशीन है, वर्ल्ड की बेस्ट मशीन है ये। ये देखें अभी हम इसको लैमिनेटिंग के लिए रखते हैं। इसकी स्ट्रिप को हमने साइड पे कर लेना है ऐसे। लेमिनेटिंग स्टार्ट हो गई है। ये इसका वैक्यूम मीटर है। ये लेमिनेटिंग जो टाइमिंग है वो हमने 40 सेकंड रखी हुई है। लैमिनेटिंग प्रेशर जो है वो 3 पॉइंट है। ये देखें अभी लैमिनेटिंग स्टार्ट हो चुकी है। ये देखें ये एलसीडी प्रेस हो चुकी है। इसके जो प्रेसिंग का टाइम है वो 40 सेकंड है और जो प्रेशर है वो 3.0 है। इसके अलावा कोई भाई भी मशीन की सेटिंग के बारे में मुझसे जानना चाहे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रابطہ कर सकता है या मुझे कमेंट्स भी कर सकता है। ये इसकी लैमिनेटिंग हो चुकी है। ये देखें ये वैक्यूम ख़त्म होने के बाद हम इसको बाहर निकालेंगे। ये देखें ये लैमिनेटिंग हो चुकी है बिल्कुल अच्छे से। अब हम इसको 4 मिनट के लिए बबल रिमूवर में रख देंगे। ये आप देख सकते हैं ये हम इसको 4 मिनट के लिए रख देंगे। ये इसका प्रेशर है, ये 6 पॉइंट पर होना चाहिए यहाँ तक। ये 4 मिनट पूरे हो चुके हैं, अभी हम इसको चेक करते हैं। ये देखें दोस्तों इसमें कोई बबल नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट बन चुकी है ये। ये देखें अब ये मैं आपको लगा कर चेक करवाता हूँ। ये देखें बिल्कुल परफेक्ट बनी हुई है। इसको हम लगा लेंगे।
लगाने के बाद मैं इसको आपको चेक कराता हूँ। इसको हम ऑन कर लेंगे। ये देखें दोस्तों, ये सेट ऑन हो चुका है। इसको अब हम चेक करेंगे। दोस्तों मज़ीद लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और अगर आपने मुझसे कुछ पूछना हो तो मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ये देखें दोस्तों, ये एलसीडी बिल्कुल परफेक्ट बन चुकी है। इसमें ना ही कोई बबल है, ना ही कोई डार्ट है। ये देखें, इसका टच भी वर्किंग में है। ये देखें, ये देख सकते हैं आप, ये बिल्कुल परफेक्ट बनी है। ये इसका मॉडल है रियलमी C3। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।